फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, वो है साइंस फाइल की। जब हमें बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो हमें उन प्रोजेक्ट्स को एक फ़ाइल में रखनी होती है, तो उस फाइल को हम नाम देते हैं साइंस फाइल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइंस फाइल की किस तरीके से डेकोरेशन करते हैं और जो इनसाइड जितने भी साइंस प्रोजेक्ट्स लगाते हैं वो किस तरीके से सिक्वेंस वाइज लगाएंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट पेज हमेशा होगी साइंस फाइल के अंदर, वो होगी इंडेक्स। तो हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आप पेजेस इसके अंदर लगा रहे हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस फाइल में मैंने जितने भी पेजेस लगाई हैं वो सारे के सारे बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, उन सब के बॉर्डर्स बने हुए हैं और डेकोरेटेड हैं सारे पेजेस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडेक्स के बाद हमने दूसरा जो पेज लगाया है उसमें सैम्पल्स लगाना था लेग्यूम का, पल्सेस एंड सीरियल्स का। जो आप नेक्स्ट पेज देख रहे हैं इसमें था कि बहुत सारे क्लॉथ्स जो हैं उनके फाइबर्स, अलग अलग जो फाइबर्स हैं उनके डेफिनेशन के साथ उनका सैम्पल लगाना था। तो इसमें, इस साइंस प्रोजेक्ट में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनका जो बॉर्डर है वो बहुत डेकोरेटेड है इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस प्रोजेक्ट है, वो हमें मिला था ट्रांसपेरेंट, ओपेक, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, डल, लस्टरस। तो इस तरीके से हम चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग कैटेगरी में डाल रखा है। तो इस जितने भी हमारे साइंस प्रोजेक्ट्स में पेजेस हैं वो बहुत ही डेकोरेटेड हैं और उनके जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव हैं। तो फाइल के अंदर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी पेज लगा रहे हैं वो सीक्वेंस में हो और साइज में हो, जिससे कि वो फाइल बिल्कुल सिमेट्री दिखे। तो इस तरीके की बहुत सारी हमारे चैनल पे वीडियोस हैं जो एजुकेशनल वीडियो हैं और आप देख सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकता है जितने भी आपके स्कूल में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उनमें। तो इस वीडियो के हेल्प से आप अपने साइंस फाइल की डेकोरेशन कर सकते हैं और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से साइंस फाइल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।